ऑडियो जंगल। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीबी न्यूज। यूपी के बलिया में असिस्टेंट डॉक्टर बनाने की दावा करने वाली संस्था अखिल भारतीय पैरा आयुर्विज्ञान संस्था बलिया के कुछ छात्रों ने संस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि यह संस्था पूर्णतः फर्जी है। इसका सर्टिफिकेट कहीं भी मान्य नहीं है और इसकी ट्रेनिंग भी फर्जी तरीके से कराकर विभिन्न मदों से पैसे की अवैध वसूली की जा रही है। छात्रों ने बताया, हम लोग अब इस संस्था में अपनी समय खराब करना नहीं चाहते, लेकिन संस्था ने पहले से ही हम लोगों का शैक्षिक अंग प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र अपने पास जमा करा रखा है। डीएम बलिया से शिकायत पर हम लोगों के शैक्षिक प्रमाण पत्र तो दे दिए गए हैं, लेकिन सादे स्टैम्प पर अंगूठा लगवा कर रख लिया गया है और फीस का गलत एग्रीमेंट बता रहे हैं। अपना एक परिचय। हम विश्वजीत सिंह अगरसंडा से, पिताजी के नाम श्री नागा सिंह। हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे, पैथोलॉजी का कोर्स करने के लिए। कहाँ पढ़ने के लिए आए थे? पैरामेडिकल उमरगंज आए थे पढ़ने जी। ऑल इंडिया पैरामेडिकल कॉलेज जी। क्या समस्या है? आपने पुलिस अधीक्षक से लेकर सारे तमाम अधिकारियों को पत्र दिया, क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग से ओरिजिनल मार्कशीट मांगा गया वेरिफिकेशन करने के लिए 3 दिन के लिए, लेकिन इन्होंने हमको 2 साल तक दौड़ाता रहा और हमारा सर्टिफिकेट नहीं दिया। हम तमाम जैसे हम यहाँ से पढ़ाई छोड़ना चाहे, क्योंकि इस कॉलेज में पढ़ने के बाद जो रिजल्ट हमको मिलेगा उससे ना कोई मान्यता प्राप्त है, ना हम कोई प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, ना सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं, ना हम प्राइवेट कोई मेडिकल खोल सकते हैं। इसके वजह से हम यहाँ से पढ़ना बंद किया और अपना रिजल्ट मांगना शुरू किया। 70-70 हज़ार सभी बच्चों से इन्होंने लिया और ज़बरदस्ती यहाँ पर बोल दबाव देकर किसी बच्चे का 20 हज़ार, किसी का 10 हज़ार, किसी का 15 हज़ार लिखवा रहे हैं और स्टाम्प पेपर पर साइन करवा रहे हैं, तमाम कागजात पर अंगूठा लगवा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं डीएम साहब को देने के लिए। क्या मामला है? आप लोग यहाँ पे आए हैं सर? अभी बड़े भैया ने बताया, बस वही है। और इन लोगों ने मतलब देखिए, फुल पेमेंट 80,000 बताया था, पर ईयर 40,000, ओके, और 2,000 मतलब 8,000 ऐसे फीस है, 2,000 सुविधा शुल्क है, 2,000 एग्ज़ाम फी है, 2,000 प्रैक्टिकल फी है और वो 2,000 ट्रेनिंग फी है, मतलब हॉस्पिटल में जहाँ हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं वहाँ। टोटल अमाउंट कितना लिया जाता है? टोटल 1 ईयर का 48,000 है। 48,000, तो आप लोगों से कितना लिया जा रहा है? मतलब अभी तो जो मतलब 70,000 तक जमा था उसका, और अभी उन्होंने मेरे से 20,000 का मतलब वो स्टाम्प लगवाया है। अच्छा, ये बताइए कि क्या मामला है कि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट रखा गया है और उस सर्टिफिकेट को आपको दिया नहीं गया और देने से पहले जो है आपसे किसी स्टाम्प पेपर पे जैसा कि आपके अंगूठा पे जो है स्याही के निशान है, क्या है ये मामला, क्या है ये? वो बस वेरिफिकेशन के लिए 10th का सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा था, बोला था कि मैं 3 दिन के अंदर दे दूंगा, फिर मतलब 3 डे बीत गया, उसके बाद उन्होंने, मैं बोली कि सर मैं सर्टिफिकेट दे दीजिए मुझे काम है, बोले ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ठीक है हम दे देंगे। फिर हम कुछ दिन बाद फिर बोले कि मेरा आधार कार्ड वेरिफिकेशन कराना था, तो शायद 10th का सर्टिफिकेट उसने मांगा। फिर मैं आके बोली तो बोल रहे हैं कि जब पूरा फुल पेमेंट हो जाएगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा, मतलब इस कॉलेज करने के बाद हम देंगे। कब दिया था आपने सर्टिफिकेट अपना? एडमिशन के दौरान। कितने समय हो गए अब तक नहीं मिला आपको? 2017 में जुलाई में। वो हम लोग सर एसपी के यहाँ गए, कोतवाल के यहाँ गए, चौकी प्रभारी पे गए। आपने भी अंगूठा दिया है किसी स्टाम्प पेपर पे? हाँ। सर हमारा नाम धर्मात्मा है। बताइए कि हमें ये पता चला है कि आपका सर्टिफिकेट 1 साल पहले यहाँ रखा गया था, जो सर्टिफिकेट किसी स्टाम्प पेपर पे साइन करवाने के बाद दिया जा रहा है, क्या है ये पूरा मामला, क्या है? सर हमसे सर्टिफिकेट देने के दौरान हम लगवाए गए और अफ्ताब सर बोल रहे थे कि जो स्कॉलरशिप आया है वो आप निकाल लिए हैं, तो हम बोले कि सर अभी तो मैसेज हमारे मोबाइल में नहीं आया, देखेंगे। कैसा है स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप इस कॉलेज का स्कॉलरशिप जो हम लोग पढ़ रहे थे DMLT में, तो क्या बताएगा कि आपने स्कॉलरशिप निकाल लिया? तो ये सर बोले कि ऐसा बात है बाबू, क्यों नहीं पढ़ना चाहते? हम बोले कि किसी कारण बस नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ये बोले कि स्कॉलरशिप आया है आप निकाल लिए। हम बोले कि सर अभी तक हमारे पापे के मोबाइल पर मैसेज नहीं आया, अगले साल आया था, तो अब देखेंगे तो बताएंगे। तो ये बोले कि ऐसा बात है कि स्कॉलरशिप बाबू जमा कर दीजिएगा, तो हम बोले कि सर जब DM ऑफिस में हम लोग थे तो वहाँ सर बोले कि आपका अकाउंट और पासबुक और खाता ले लीजिएगा और पैसा लेन देन की कोई बात नहीं रहेगी, तो अभी सर बोल रहे थे कि आपको जमा करना पड़ेगा, तो हम बोले कि सर हम जमा नहीं करेंगे, तो तब जा करके हमारा मार्कशीट दिए सर। टोटल सर बताया गया था कि 10,000 दे दीजिए और स्कॉलरशिप में से आएगा तो दीजिए।
तो उसके बाद में टोटल खर्च बताया कितना गया था? 80,000 बताया गया था दो साल का। जी सर। और अब तक आप कितना दे चुके हैं? अब तक सर हम दे चुके हैं यहाँ पे 42 दिए हैं, उसके बाद सुविधा शुल्क और एग्जाम फीस और प्रैक्टिकल फीस ट्रेनिंग फीस 8,000 और इस साल में 5,000 दिए हैं सर। आज जो बताया गया कि मेडिकल फैकल्टी है सर, हम लोग एक साल पढ़ने के बाद पता किए तो मेडिकल फैकल्टी कोई नहीं था सर, इसका कोई वैल्यू एक्शन नहीं। ये बताइए आप सुविधा शुल्क किस चीज़ का देते थे? सर ये जबरदस्ती सुविधा शुल्क लोग लेते थे कि हम यहाँ आपसे अच्छा से करवाएंगे तो ये करवाएंगे, अपने यहाँ एग्जाम करवाने के लिए लेते थे। अपने यहाँ एग्जाम करवाने कितना लेते थे ये सुविधा शुल्क? 2,000 सर। हर बच्चों से लिया गया? हर बच्चों से सर लिया गया। नहीं सर, यहाँ जब ट्रेनिंग करने के लिए 2,000 रुपये लिया गया तो वहाँ हम लोग गए ट्रेनिंग करने के लिए, तो 2 महीना 12 दिन किए जिसमें 3 महीना करना था, तो वहाँ के सुमिता सिंहा जब कोई यहाँ विवाद हुआ तो हम लोग को डांट करके पकड़ करके भेज दी कि आज के बाद तुम लोग इस कॉलेज में दिखाई दोगे तो हम FIR कर देंगे। वहाँ बड़े सर बद्रे आलम सर थे, वहाँ मनोज राय भी थे। जी जी। तो हम लोग ट्रेनिंग 3 महीने पूरी नहीं, न वहाँ से कोई हम लोग को ट्रेनिंग प्रमाण पत्र मिला। नीरज कुमार वर्मा नाम, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज उमरगंज में हम आए हैं। इसमें हमारा अपना नाम होगा सर, ये मामला हमारा है कि आज हम अपना सर्टिफिकेट लिए हैं तो स्टाम्प पेपर पर सादे सादे स्टाम्प पेपर पर हम लगा कर ये हम लोग को दे रहे हैं अपना सर्टिफिकेट। क्यों स्टाम्प पेपर पे क्यों आपका थम ले रहा है? हमको नहीं मालूम, कह रहे हैं कि DM साहब बोले हैं कि पूरा पूरा चाहिए ये सब। आपको पता है कि सादे स्टाम्प पेपर पे कोई भी थम या सिग्नेचर नहीं ले सकता? जी सर, तो ये बोल रहे हैं कि DM साहब बोल रहे हैं कि ये पूरा हम लोग को चाहिए। कौन बोला है? कौन बोला? आप सर बोल रहे थे। कौन है ये आफ्ताब सर? अंदर बैठे। कौन है ये? हमारे प्रबंधक चेयरमैन इस कॉलेज में। पैसे वाला क्या? 60,000 रुपया हम लोग से लिखवाए हैं स्टाम्प पर कि देना है और 25,000 जमा किए हैं हम, लिखवाए हैं कि 25,000 ये जमा किए हैं और लिखवाए हैं कि 60,000 ये देना है। और 25,000 आप दे चुके हैं? हम दे चुके हैं। जिसको लिखा गया कि 25,000 आपको मिल गया और 60,000 मांगा जा रहा है? जी, अभी और लिखवाए हैं कि 60,000 ये कॉलेज को जमा करना है। तो 60,000 और 25,000 अमाउंट हो गए 85। तो ये 1 ईयर का है या 2 ईयर का है? 2 साल। 2 साल का। जी। इसके पहले क्या बताया गया था, कितना टोटल खर्च आएंगे? इसके पहले बताया था कि हम 40,000 रुपया आए थे, हमसे बात किए थे कि 20,000 रुपया पर आपसे हो जाएगा। आपको वीडियो क्यों बनाया जा रहा है सर यहाँ पे? ये DM साहब का कल आदेश हुआ कि आप ओरिजिनल मार्कशीट अगर बच्चों को दे रहे हैं तो एक एविडेंस के तौर पे वीडियो बना के हमको दिखाया जाए और अपने पास भी रखा जाए कि बच्चों ने हाँ लिया है। कि आपके यहाँ जो फॉर्मेट तैयार है, जिस बच्चे का हमने पिक्चर उठाया है उस फॉर्मेट को भी ब्लैंक रखा गया है। जी जी। स्टैम्प पेपर को भी ब्लैंक रखा गया है और थम्स का निशान लेना यह किस बात का द्योतक है? जी, उस पर हमने अपना फॉर्मेट पे जो आपने देखा उस पर उनके अभिभावक का भी सिग्नेचर है और उनका भी सिग्नेचर है। मैंने आपसे सवाल किया कि न फॉर्मेट पर कुछ भरा है, फॉर्मेट ब्लैंक है जी, स्टैम्प पेपर ब्लैंक है, ब्लैंक है, दोनों पर थम्स लगे हैं, सिग्नेचर हुए हैं, उस व्यक्ति के नाम से ही स्टैम्प खरीदे गए हैं। स्टैम्प की कीमत बता सकते हैं कितना है? 10 रुपये। 10 रुपये पर कितने का दावा किया जा सकता है? ये इसका अभिज्ञान नहीं है जी, उसकी प्रॉपर्टी भी नीलाम हो सकती है, उसे जेल भी भेजा जा सकता है, उसे गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। क्या यह अपराध है या अपराध नहीं है? यह अपराध हो सकता है, लेकिन हमारा ऐसा कोई मुद्दा नहीं था और हमें इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी कि उस स्टाम्प से क्या क्या किया जा सकता। हमने सिर्फ अपने बचाव के लिए कि बच्चे हमारा फीस लेके चले जाते हैं। तो फिर उस पर क्यों नहीं भरा गया, किस कंडीशन के लिए यह लिया गया है, कंडीशन क्यों नहीं फिल किया गया? ये हमारी संस्था की गलती। धन्यवाद। बहुत जल्दी ज्वाइन किया हूँ, मैं इस बात को देख रहा हूँ और इसको संज्ञान में लेकर इसके लिए समिति बना के इसकी जांच करा के अग्रिम कार्रवाई के लिए उचित अधिकारियों के यहाँ प्रेषित करें। मैं इसका सत्यापन करा के पूरा एक्शन लिया जाएगा। वैसे बलिया से अखिलेश सैनी सिंह नवल जी की खास रिपोर्ट।